डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, प्लीज देख लेना। नहीं थी यार, घर में बैठ के कोविड ना हो जाए मुझे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना क्रिएशन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि 2 वीक से मेरी तबीयत खराब था बहुत ही ज़्यादा और कैमरा के सामने मैं नहीं आई थी, कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। ब्लॉगिंग तो मैं बहुत रेयरली कर रही हूँ आजकल, बट वीडियो भी कोई मैंने शूट नहीं किया था, ना ही मेकअप का, ना ही कुछ भी। एक वीडियो आने वाला है जल्दी, वो पुराना वाला वीडियो है, बहुत दिन पहले मैंने शूट किया था, तो वो वाला भी मैंने एडिट अभी तक नहीं किया। एक्चुअली ना, तबीयत खराब होने के बाद क्या होता है ना, आपका जो इच्छा होता है ना वो नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा इच्छा नहीं होता, मीन्स मर्ज़ी नहीं होता, मर्ज़ी तो बोलते हैं, हाँ मर्ज़ी नहीं होता कि कोई वीडियो एडिट करूँ या फिर कुछ। मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई जब से मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं तो वही आपको बोल देता हूँ मैंने कैसे अपना टाइम पास किया। मैंने बहुत सारे मूवीज़ देख लिए और मैं वही बताऊँगी क्या क्या मूवी देखा, और कुछ DIYs वगैरह बनाया है मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ आज। तो एक्चुअली बनाना हो गया, शायद 1 या 2 बॉक्सेस बाकी है, मैं बोलूँगी मैंने कैसे बनाया है ऑब्वियसली। और अभी नहा के भी आ चुकी हूँ एंड मैंने अपना लंच भी कर लिया, अभी मैं फ्रूट जूस पी रही हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसे मैं कैमरा के सामने आई हूँ, अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मैं व्लॉगिंग मिस कर रही थी, मैं व्लॉगिंग मिस कर रही थी सच्ची में। क्या से हिंदी बोलने वाली हूँ, तो क्या हो गया मेरी हिंदी का, तो 2 वीक ही हुआ है बस, मैंने कुछ भी नहीं किया, कैमरा के सामने नहीं आया, कुछ अपडेट्स भी नहीं दिया कहीं पर भी, ऐसे हो गया, तो बात भी नहीं किया कर पा रहा देखो बात भी नहीं कर पा रही। ऊपर से ये मैं अनकट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि व्लॉगिंग जो होता है वो एकदम नेचुरल होता है, अनकट होता है मेरी, वहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करती, जो नेचुरल होता है सब कुछ वही मैं ऐड करती हूँ। आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ था ना मुझे तो डॉक्टर भी दिखाना पड़ा था, ऑनलाइन डॉक्टर, जो डॉक्टर मुझे देखते हैं तो वही। फिर बहुत दिनों बाद आप लोगों से ऐसे आज बात करते अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना आज सैटरडे मेरी मम्मी का छुट्टी है, तो पता नहीं ये ब्लॉग कब मैं अपलोड करूँगी, बट जो भी हो जब भी मैं अपलोड करूँ। और आज ना मैं शाम का मेकअप वीडियो भी शूट करने वाली हूँ, तो आप लोग हाँ मेकअप वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि वो मेकअप वाला वीडियो पहले आने वाला है, क्योंकि मैंने वो सोचा था जब मेरा स्टार्टिंग में मेरी तबीयत ख़राब हुआ था ना, तब सोचा था, तब मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है कि तबीयत ख़राब होने वाला है, तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा था तब मैं वो वीडियो शूट करके अपलोड कर दूँगी 2-3 दिन में, और वो मेकअप लुक होगा बुलबुल इंस्पायर्ड मेकअप लुक, तो मैं वो करूँगी आज, आप देख लेना हुआ कि नहीं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ज़रूर देखना, तो क्योंकि मुझे पता है ये ब्लॉगिंग ना मैं बुलबुल के वो वाला जो इंस्पायर मेकअप वाला लुक करूँगी ना उसके बाद ही अपलोड करूँगी ये ब्लॉगिंग। और गाइस आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली मैं होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरी फाइनल ईयर है, मैं ट्रेनिंग से भी आ चुकी हूँ। एक्चुअली ट्रेनिंग मैंने किया था रेडिशन रूम में, इतना सारा मैंने आज तक आप लोगों से ऐसे खुल के बात नहीं किया, तो इसलिए इस ब्लॉग में बता रही हूँ मेरे बारे में कुछ। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ओनली 3 मंथ्स में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए। पता नहीं ये वीडियो जब आएगा तब शायद कुछ और ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक्यूरेट तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, फिर भी अब जो है मैं आपको बोल देती हूँ, अब 890 है, मीन्स 890 सब्सक्राइबर्स है मेरे अब, 3 मंथ्स में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा लव दिया, 3 मंथ्स भी पूरा नहीं हुआ, अगर इस मंथ को पकड़ोगे फिर 3 मंथ होगा। एक्चुअली ना मेरा जो यूट्यूब का चैनल था ना, वो जब मैं ट्रेनिंग में गई थी उससे ना पहले के था, ऐसे ही मैंने चैनल ओपन कर दिया, मीन्स आपको पता है मैंने कैसा एक वीडियो डाला था, नॉर्मली
लाइक मैं खुद ही घर में ना प्रैक्टिस कर रही थी कैसे डिफरेंट टाइप्स के आईलाइनर्स पहने जाते हैं. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कैसे डिफरेंट टाइप के आईलाइनर्स पहनते हैं, ठीक है. तो मैंने ना वही एक वीडियो बनाया था, बना के ना ऐसे यूट्यूब में अपलोड कर दिया था कि हाँ अपलोड कर देती हूँ यार तो क्या होता है. तो कर दिया था, मीन्स ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यूट्यूबर बनना है. तब तो कुछ भी मतलब सीरियसली नहीं लिया मैंने यूट्यूब को. तो तब वो था आज से 7 मंथ्स पहले का था, ठीक है. हाँ 7 मंथ्स पहले का ही था वो वीडियो. वो मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो था. तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, ठीक है. तो वहाँ पर व्यूज़ भी नहीं आए थे, 34 व्यूज़ आए थे. बट फिर भी मेरे लिए वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है आज तक, क्योंकि वो ही 34 पीपल्स थे जो मैंने उस वीडियो को सपोर्ट किए थे. तो ऑब्वियसली वो वीडियो मायने रखता है मेरे लिए और मेरी यूट्यूब का पहला वीडियो है. तो जो भी हो, फिर ना फिर मतलब मैं भूल गई थी यूट्यूब के बारे में सच्ची में, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ना इतना टाइम नहीं हुआ था. यूट्यूब में भी कोई मूवी शूवी देखा जाए ऐसा कुछ, मतलब यूट्यूब में मैं खोल के भी नहीं देखती थी, ठीक है. तो तब टिकटॉक था, तो टिकटॉक करते थे नॉर्मली मैं और क्या. और मतलब उतना टाइम पास का तो टाइम ही नहीं होता था उतना ट्रेनिंग टाइम में. बैंगलोर में थी ना तो इसलिए, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बैंगलोर में थी इसलिए ज़्यादा काम था, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब ट्रेनिंग में होता है, लाइक अब लोगों को ना टाइम नहीं मिलता, तो ट्रेनिंग तो इसलिए होता है ना, बहुत कुछ सीखना मिलता है आपको वहाँ पर, तो इसलिए. और हमारे होटल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो आपको लोग अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मतलब क्वेश्चंस आप आस्क वगैरह कर सकते हो. मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग वाले वीडियोस में आप लोगों के आंसर देके जाऊंगी. और कुछ बुरा मत मानना, शायद मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, मैं बस लाइक या लव रिएक्ट कर देती हूँ. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, मैं पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, ठीक है. मैं सच बोल रही आप लोगों के सामने एकदम ओपन अप होकर मैं सच बात बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ. और कुछ टाइम वगैरह मिलता है ना, मैं मूवी शू भी देख लेती हूँ, अपना वीडियोज़ भी नहीं एडिट करती, ठीक है. वीक में मैं 2 दिन वीडियो बनाती हूँ, एक है सैटरडे और एक है संडे. और 2 दिन में मैं एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ बना लेती हूँ, ठीक है. तो ऊपर से नेक्स्ट सैटरडे संडे वीडियोज़ बनाती हूँ. एक तो होता है मैं अलग से को बोल दूँ क्या क्या वीडियो बनाती हूँ. तो सैटरडे क्या होता है, सैटरडे में व्लॉगिंग नहीं करती. एक्चुअली आज मैंने व्लॉगिंग किया क्योंकि वो शिट सॉरी ये वर्ड मैंने यूज़ किया, 2:30 हो गया मेरे ऑनलाइन क्लासेस का टाइम. मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है. आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे ऑनलाइन के क्लासेस थे आज फर्स्ट क्लास था, क्योंकि जब से मैं ट्रेनिंग से आई हूँ तब से कोई भी क्लास नहीं था, आज ही फर्स्ट क्लास था. मतलब सेमिस्टर का जो पढ़ाई वढ़ाई होता है वो अलग से, और इग्नू हम मतलब होटल मैनेजर जो होता है, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है. बट मैं जिस कोर्स में बैठती हूँ आपको बोल देती हूँ, उतना डिटेल से नहीं बताती क्योंकि आप लोग बोर भी हो सकते थे. इसलिए मैं नेशनल काउंसिल का अंडर में पढ़ती हूँ गुरु नानक में. तो वहाँ पर क्या है ना, एक नेशनल काउंसिल में क्या होता है, इग्नू का एक सर्टिफिकेट होता है, 3 साल का कोर्स होता है इग्नू का. सो इस साल का तो इग्नू का एग्ज़ाम भी था जो पता नहीं जुलाई में था, तो जो भी हो, बट स्टिल आप लोग प्यार की वजह से आई एम रियली थैंकफुल, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे. जब मैंने ना लाइक देखा टाइम, ठीक है, देखा कि 2:35 हुआ, ठीक है, तो मैंने बोला हो गया मेरा क्लास. एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे क्लास में ना टोटल सब स्टूडेंट, 2 सेक्शन के स्टूडेंट मिला के, हाँ अभी भी सेक्शन है स्कूल की तरह. तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था पहले, कॉलेज में भी सेक्शन है बट स्टिल अभी नहीं लगता, क्योंकि हमारे नेशनल काउंसिल में ना उतने सारे बच्चे नहीं हैं. हाँ खुद को मैं एज अ चाइल्ड कंसिडर कर रही हूँ, तो हाँ इतने सारे बच्चे नहीं हैं. तो है कोई टोटल कुल मिला के 60 बच्चे होंगे, और 60 में से तो मतलब जूम में क्या होता है ना, 100 से ज़्यादा आप लोग एंटर नहीं कर पाते हो, ठीक है. तो जूम मीटिंग में ऐसा ही होता है. तो कॉलेज में से जो मैम थी हमारी, उन्होंने बोला कि जूम में ही आज वो पढ़ाएंगी, तो वही. तो एक मुझे प्रॉफिट था, अगर मैं 5 मिनट्स पहले भी घुसते ना वहाँ पर मैं घुस जाती, क्योंकि 60 बच्चे थे, 60 में 60 तो नहीं आएंगे तो 40 या 50, तो जो भी आएंगे, अगर 60 भी आ जाए फिर भी मैं घुस सकती हूँ, तो ये एक टेंशन नहीं था. बट फिर भी मतलब क्लास को पहले से अगर नहीं सुनती, बीच में घुस जाती हो तो क्या समझ में आएगा, मूवी की तरह ही है, बीच से मूवी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली मूवी में कुछ समझ में नहीं आएगा.
मुझे तो मज़ा ही नहीं आता बीच में से अगर कोई मूवी शूवी में देख लूँ तो। देखो पढ़ाई को मैं इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ मूवी के साथ। एक्चुअली ना मुझे मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए तो मैंने आपको बोला ही। ऐसा भी होता है आपको पता है, लाइक जब मैंने जो बोला सैटरडे संडे में वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो तब ना बहुत दिन ऐसा भी होता है लाइक मैं इतना लेज़ी फील करती हूँ। वो लेज़ी तो हूँ मैं, पैदाइश ही लेज़ी हूँ मैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। वीडियो शूट करने के लिए सारा सामान मैंने रख दिया है ठीक है, और मैं ना एक चीज़ को मानती हूँ, जब मतलब व्लॉगिंग को छोड़ के नॉर्मल जब मैं मेकअप के वीडियोस बनाती हूँ मैं ना अपने माँ को सामने बिठा के रखती हूँ ठीक है। लाइक मुझे मतलब वो ऐसे बैठ के ना अपना फ़ोन देखती है बट सर मैं उनको बिठा के रखती हूँ, लाइक एक होता है ना एक सपोर्ट मिलता है मुझे कि हाँ माँ बैठी हुई है, मतलब अच्छा होगा वीडियो अच्छा होगा। क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत कम चीज़ों को लेकर सीरियस होती हूँ, उसमें से ये एक चीज़ है वो है यूट्यूब। पहले नहीं थी जैसा मैंने बोला था बट स्टिल जब से मैंने मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। लाइक पहले वीडियो में 34 व्यूज़ था तो मुझे लगा था ऐसा ही होगा, 50 से ज़्यादा कभी व्यूज़ उठेंगे ही नहीं, मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो वही तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, तो वही। और आप लोग मेरे फेस के हाल भी देख सकते हो, मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना जब से मेरी तबीयत ख़राब हुआ है ना स्किन केयर तो भूल ही जाऊँ मैं उतना, वैसे भी मैं स्किन केयर नहीं करती, मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के कुछ ना कुछ फेस में लगा देती है कभी कभी ठीक है। तो क्योंकि उनका भी टाइम नहीं, मतलब अभी उनका ऑफिस भी स्टार्ट हो गया ना कोविड में, उनको ऑफिस भी जाना पड़ रहा है सीरियसली। और क्या, और काम तो सबको ही करना होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है काम, ये मुझे कौन समझाए इसलिए जो भी हो जाए मीन्स क्या बोलो। तब से ना मेरा जो फेस है ना कैसा हो गया है, मुझे तो खुद को ही मतलब आपको पता है हर दिन, मतलब कोई मतलब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, हर लड़की एवरीडे अपना फेस देखती है आईने में ठीक है, एवरीडे देखती है। लड़की तो छोड़ो लड़के भी देखते हैं ठीक है, एवरीडे आईने में फेस देखते हैं ठीक है। बट मेरा जब तबीयत खराब हुआ था ना, मतलब इतना बुखार हुआ था, अब मतलब मैं घर से कभी मतलब जब से मैं आई हूँ बैंगलोर से ठीक है, हार्डली 2 या 3 दिन, आप लोग मेरा ब्लॉग चेक कर लेना तभी मैं निकली हूँ ठीक है, जब भी मैंने निकला तभी मैंने ब्लॉगिंग किया। तो नॉर्मली मैं नहीं निकली हूँ, घर में ही रहती हूँ ठीक है, फिर भी इतना ज़्यादा बुखार हो गया था, ऊपर से कोविड का टाइम चल रहा था, बुखार मतलब मेरा ना ऐसा होता है लाइक तबीयत ख़राब होता है, मैं बैंगलोर में थी तबीयत ख़राब हुआ था। बट सर मेरी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी तो वो बस बोल रही थी तो ठीक हो जा, मतलब जो भी करके यार ठीक हो जा, ऑब्वियसली मतलब बहुत टेंशन में आ गई थी और मैं भी डर गई थी यार घर में बैठ के कोविड ना हो जाए मुझे, क्योंकि मतलब कम तक कुछ भी मतलब घर से मतलब निकली भी नहीं थी ठीक है, नॉर्मली घर में बैठी हुई थी, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता ना। मेरी मम्मी को ये लग रहा था कि वो निकल रही है, शायद वो ना वायरस को लेके आए घर में, तो फिर ऊपर से मेरी नानी है उनका एज भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, ऊपर से उनको जो और मतलब उनका जो आया है जो देखभाल करते हैं उनको तो वो भी एजड है बहुत, मतलब उनकी तरह एजड नहीं है, मतलब जो भी हो थोड़ा सा भी तो एजड है, उनका कितना एज है 50 तो होगा जो मेरी नानी को देखभाल करती है उनका एज, मैं दिखाऊंगी आपको ये वीडियो में। मेरी माँ ना उनको बोलते हैं मासी माँ, और पता है मैं तो पहले उनको नानी बोलती थी, अब आजकल क्या हो रहा है ना मैं ना अपने माँ को सुन सुन कर उनको बोल देती हूँ मासी माँ, लाइक थोड़ा एम्बेरसिंग भी होता है ना मेरी नानी को मिलकर, वो उनको मैं मासी माँ बोलती हूँ, मासी माँ मीन्स मौसी होता है ठीक है, तो बंगाल में मासी बोलते तो वही सेम ही होता है, थोड़ा सा सिमिलर ही होता है ना। तो जो भी हो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और मैंने 2 वीक्स अपना फेस आईने में ही नहीं देखा था, सोचो आप लोग मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं करती, एटलीस्ट मतलब कोई सब इंसान इनफिट अपने फेस को देखता है आईने में, हर कोई देखता है, मतलब ये ही नहीं है जो लोग सुंदर तो वही दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सुंदर भी नहीं हूँ ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ मैं, बट फिर भी देखते हैं। बट वही 2 वीक मैंने आईने में भी अपना फेस नहीं देखा था, तो उसके बाद जब मैं आज मतलब थोड़ा बेटर फील करूँ तब मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग किया जाए। और आपको पता है मेरा जो गला था ना, मतलब गले से ना कोई साउंड नहीं निकल रहा था मेरी ठीक है, तो इसलिए मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही शाड़ा में बात करूँगी कि आप लोगों के साथ, तो इसलिए। और मैं ऐसे ही
बैठी रहती थी, माँ से भी बात नहीं कर पाती थी और मेरी माँ बहुत टेंशन में आ गई थी। वो मतलब वो भी बाहर नहीं निकल रही थी, ऑफिस भी नहीं जा रही थी। तो वही, आप लोग भी सेफ रहना यही, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या DIYs बनाए हैं। चलो, और ये देखो, ये है पहला वाला बॉक्स जिसमें मैंने अपने मेकअप के सामान वगैरह रखे, अभी के लिए रखे, ये मतलब हमेशा के लिए नहीं है, ये मेरा मेकअप का सामान रखने का जगह अलग है। तो दिखाऊंगी आप लोगों को बाद में एक वीडियो में कहाँ मैं मेकअप स्टोर करती हूँ। तो जो भी हो, यहाँ पर मैंने मेकअप के सामान रखे, ये ना बहुत बड़ा सा बॉक्स था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके अंदर जो मेकअप के सामान वगैरह था वो मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है इसके अंदर का स्पेस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं उसमें मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे, मैंने अपने पैसों से खरीदा था, ये मत समझ लेना कि इस तरह मुझे भेजे हैं, नहीं। तो वो लाइक नॉर्मली ये ना पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो किट रैपर्स होता है उससे मैंने अच्छे से ना इस बॉक्स को रैप किया, ताकि दिखने में सुंदर लगे और इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है, मैं बहुत कुछ रख सकती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला क्यों है, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको ऐसे करके नहीं रख सकते, इस बॉक्स को ना उसको ऐसे करके रखना होगा, फिर ये भी सुंदर दिखेगा और बॉक्स पे अच्छा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया ताकि ये सुंदर लगे, यहाँ पर मैंने डीप पिंक कलर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर पर्पल कलर का इस्तेमाल किया। ये था मेरी टाइटन का बॉक्स जिसको मैंने गिफ्ट रैपर से रैप किया है, और ग्लिटरी वाला जो सेलोटेप होता है उससे मैंने ऊपर और नीचे ऐसे दिखे लाइक सजाया है, और कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है। और ये भी एक बॉक्स था, शू बॉक्स नहीं था, पता नहीं किसका बॉक्स था, जो भी हो मैंने इसको ऐसे गिफ्ट रैपर से रैप करके सजा दिया है। और एक है छोटू सा बॉक्स, बहुत ज़्यादा छोटा सा बॉक्स था, यहाँ पर मैंने दो गिफ्ट रैपर यूज़ किया है, अंदर वाला जो कार्डबोर्ड था उसके गिफ्ट रैपर यूज़ किया और बाहर वाले के लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत सजा भी दिया। ये और एक मैंने सेम ही किया है, ये सारे बॉक्स को ही मैंने ना जो गिफ्ट रैपर वगैरह होता है ना उससे मैंने सजा दिया है। और थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए मैंने क्या यूज़ किया है वाला जो सेलोटेप वगैरह होता है उसको लाइक मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है उससे, और कार्डबोर्ड को ना ऐसे टाइप के शेप में कट करके मैंने वही सेलोटेप यूज़ किया है। तो गाइस, अभी मैंने बस ये मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट किया, ये है बुलबुल इंस्पायर्ड मेकअप लुक, देख सकते हो फुल ऑन बंगाली ट्रेडिशन। तो मुझे ना वो मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो कर लिया जैसा मैंने बोला था आपको सुबह ही, आई मीन दिस आफ्टरनून टाइम, कि मैं ये वाला मेकअप लुक करने वाली हूँ आज। तो अगर ये लुक आप लोग देख सकते हो कैसा हुआ ये लुक, अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आए, एक्चुअली ना व्लॉग वाला वीडियो ना इस वाला मेकअप लुक के बाद जाएगा, तो अगर ये वाला मेकअप लुक पसंद है आप लोगों को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुलबुल इंस्पायर्ड मेकअप लुक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना कैसा मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। तो देरी ना करते हुए, बहुत रात हो गया है और मैं अपना ज्वेलरी वगैरह सब तो उतारना पड़ेगा ना, और ऊपर से सिंदूर भी लगाया है वो भी उतारना पड़ेगा। एक्चुअली में एक चीज़ बहुत अच्छा होता है कि बंगाली लोगों के पास ना लाइक गोल्डन ज्वेलरीज वगैरह होता है, मतलब गोल्डन ज्वेलरी की बात बोल रही हूँ, ऐसा होता है। प्लीज़ गाइस, आप लोग देख लेना ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है, प्लीज़ देख लेना। चलो गाइस, फटाफट से मैं मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ एकदम फटाफट से, और सिंदूर भी उठाना है। हमको पता है जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ना सिंदूर लगाने का ना बड़ा ही शौक था, अपनी माँ के सिंदूर लेके ना ऐसे पहन लेती थी, और मेरी माँ अभी भी हंस रही है सुनकर, बट ये सच है, तब भी हंसती थी। इसका मतलब ये मत समझ लो मुझे शादी करने का बड़ा शौक था, उतना सिंदूर विंदूर पहनने का बड़ा शौक था, बट ऐसा वाला बिंदी नहीं, बुलबुल में ना ऐसा बड़ा वाला बिंदी था ना, तो इसलिए बस मैंने इसको हाथ की मदद से ही पहन लिया इस बिंदी को। मैं अपना ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उतार दूंगी, उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा देखो कि मैं बकबक कर रही हूँ, उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना मैं अपने माँ के साथ थोड़ा बातें शातें कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कर देना। वेट टिश्यू से पहले अपने सिंदूर को साफ करूँगी, क्योंकि मुझे तो यही लगा था, क्योंकि तब तो शैम्पू करना पॉसिबल नहीं था इतनी रात में, तो
तो इसलिए मैं ना खिस खिस के एकदम निकाल रही हूँ वेट टिश्यू से, और बहुत टाइम लग गया गाइस मुझे सिंदूर उठाने में सच्ची में। तो और अभी तो शायद पूरा उठ भी गया, देख सकते हो आप लोग, और मैं खुशी हो गई थी सिंदूर उठ गया ना, तो इसलिए। और अपने पूरे फेस को ना वेट टिश्यू से मैं क्लीन करूँगी, और इसके बाद मैं जाऊँगी पूरे फेस को क्लीन करने के बाद फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि जब भी आप लोग ना क्लिनजिंग या फिर वेट टिश्यू से अपने पूरे फेस को क्लीन करोगे ना, फिर से एक बार फेस वॉश यूज़ कर लेना। और यहाँ पर मैं एटीट्यूड का फेस वॉश यूज़ कर रही थी, बड़ा अच्छा है, कुछ दिन से ना यही वाला मैं यूज़ कर रही थी, तो इसलिए अच्छा है गाइस। फ्रेश होके मैं डिनर बनाने के लिए चली गई थी, मैंने सरसों का तेल दी थी ऑलरेडी, मैंने करके रखा है क्यूकम्बर अनियन एंड ग्रीन चिलीज। और यहाँ पर पराठे के लिए मैंने ऑलरेडी लाइक कोल बना के रख दिया है, और पहले मैं फ्राई करूँगी अनियन और ग्रीन चिलीज को, अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद इसमें सॉस डालना है, तीनों सॉस डालना है, रेड चिली डालना है, रेड चिली सॉस डालना है, टमाटो सॉस डालना है, और सोया सॉस भी डालना है, ठीक है। और बीच में मैंने वो जो दिखाया था ना वो एक था, और एक भी आप लोगों को फ्राई करना है गाइस। और फ्राई ना एकदम लाइक डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करना, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना थोड़ा ऐसे। और मैं पराठे भी बनाऊँगी, और एक पहले मैं कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद पराठे बनाऊँगी। पराठे बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने एक डाल दिया था, और जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था ना ग्रीन चिली और वो अनियन का, वो मैं दे दूँगी पराठे के ऊपर, एक दूँगी उसके बाद वो दूँगी, तो प्रिपेयर हो जाएगा ऐसे ही आप लोगों का एक रोल। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय गाइज़।